हेलो एवरीवन, सावन व्रत स्पेशल में आज मैं शेयर कर रही हूँ चटपटी आलू टिक्की की रेसिपी। व्रत में आपका मीठा खाने का मन नहीं है तो आप ये नए तरह की आलू टिक्की को ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले यहाँ पे दो तरह की चटनी बनाई है, एक हरी चटनी और एक लाल चटनी। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी पुदीना, एक कटोरी धनिया और 4-5 हरी मिर्च और अदरक। इन सबको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है, धो के इनको काट लिया है। अब मैं इनको मिक्सी में ग्राइंड करूँगी और अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच सेंधा नमक। व्रत में आप सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं इसलिए मैंने सेंधा नमक डाला है। और अब इसमें 1 चम्मच मैं अमचूर पाउडर डालूँगी। आप चाहें तो अमचूर पाउडर की जगह आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 से 1.5 लेमन इसमें डाल देंगे चटनी को खट्टा करने के लिए और अच्छी तरह से इसको पीस लेंगे। लीजिए, तैयार है हमारी हरी चटनी। अब रेड चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप पानी। 1/2 कप पानी में मैंने 100 ग्राम जितना गुड़ ऐड किया है और इसे उबलने के लिए रख दिया है। गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और ये अच्छी तरह से उबल जाए, फिर इसके बाद इसमें हम 3 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं और इनको अच्छी तरह से 1-2 उबाले आने तक उबालने देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच सेंधा नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप व्रत में नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास भीगा हुआ किशमिश रखा था, 1/2 कटोरी जितना भीगा हुआ किशमिश मैंने यहाँ पे ऐड किया है और अच्छी तरह से उबाल लिया है। और ये हमारी चटनी अब गाढ़ी हो चुकी है। अब इसे उतार के हम इसमें बारीक कटे हुए केले डालेंगे और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट और मेलन सीड भी ऐड करेंगे और हमारी चटनी तैयार है। अब यहाँ टिक्की की तैयारी के लिए, आलू टिक्की के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कटोरी साबूदाना। साबूदाने को हम भिगोएंगे नहीं, डायरेक्ट ही इसे मिक्सी में ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। और यहाँ मैंने 2-3 बड़े आलू लिए हैं, उनको छील कर अच्छी तरह से कद्दूकस करके पानी में भिगो दिया है। इस प्रोसेस से हमें ना आलू को उबालना पड़ता है ना ही साबूदाने को भिगोना पड़ता है, इंस्टेंट ये टिक्की हमारी बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ मैंने आलू को लच्छे की तरह से कद्दूकस कर लिया है। और जब ये टिक्की बनानी हो हम आलू को पानी में से निचोड़ कर अच्छी तरह से निकाल लेंगे। उसका सारा पानी निकाल के हम एक प्लेट में रख लेंगे और इसमें अब ऐड करेंगे हम साबूदाने का पाउडर। साबूदाने को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, जो मैंने साबूदाना पीसा था उसे एक बार छान लिया है ताकि इसमें कोई भी मोटा साबूदाना ना रहे, पाउडर की तरह ही आ जाए। और इसमें 1/2 चम्मच मैंने सेंधा नमक ऐड किया है। इसके बाद इन सभी को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके इन्हें हम 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से साबूदाना आलू में मिक्स हो जाए और उसके पानी को वो अच्छी तरह से अब्सॉर्ब कर लें। और फिर 10 मिनट के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करके दबा दबा के हम इसे एक टिक्की की शेप दे देंगे। ये देखिए, ये अच्छी तरह से बन रहा है क्योंकि अब अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट हो गया है और उसमें मिक्स हो गया है। अब इसे आप टिक्की की शेप देना चाहें या कोई भी शेप देना चाहें, शेप दे के हम एक फ्राई पैन में देसी घी लेंगे और उसमें इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। ये मैंने फ्राई पैन में इन्हें रख दिया है और थोड़ा सा देसी घी डाला है। हमने इन्हें फ्राई नहीं करना है क्योंकि हमें ज़्यादा ऑयल में नहीं बनाना है, इन्हें कम ऑयल ही यूज़ करना चाहते हैं आप तो आप इस तरह से इन्हें शैलो फ्राई कीजिए। मीडियम फ्लेम पे इन्हें अलट पलट कर सेकते जाइए। इस तरह व्रत में जब भी आपका चटपटा खाने का मन हो तो आप इस टिक्की को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसमें सारे इन्ग्रीडियंट्स व्रत में जो खाते हैं वही डाले हैं। और अब इन्हें दोनों तरफ से सेक कर अलट पलट कर हल्का सा प्रेस कर लीजिए। इससे ये टिक्की अंदर तक क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर तक सिक जाएगी। इस तरह से इसमें पता भी नहीं लगता है कि इसमें साबूदाना यूज़ किया हुआ है। ये टिक्की बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती है और इसे व्रत में आसानी से आप खा सकते हैं। जब भी आपका व्रत में चटपटा खाने का मन हो तो आप इसे इस तरह बनाकर खा सकते हैं। अब इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी गर्मा गर्म और इसके ऊपर हमने जो चटनियाँ बनाई थी, ग्रीन चटनी और रेड चटनी, वो चटनी डाल के इसको डेकोरेट करेंगे और भी चटपटा बनाएंगे।
यहाँ मेरे पास कुछ फैटा हुआ दही है, दही को मैंने अच्छी तरह से फैट लिया है और इसमें सेंधा नमक मिक्स कर लिया है। पहले टिक्की पे हम दही डालेंगे, इसके बाद हम अपने ग्रीन चटनी डालेंगे, इसके बाद हम रेड चटनी डालेंगे। रेड चटनी में हमने ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स भी ऐड किए हुए हैं, इसमें बनाना भी डाला हुआ है, किशमिश भी। आप चाहें तो सीजनल फ्रूट, एप्पल और भी ड्राई फ्रूट हैं, बादाम, काजू वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी आप व्रत में खा सकते हैं फ्रूट्स वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसे हमने फ्राई नहीं किया है ज़्यादा ऑयल में, हमने कम से कम घी में इसे फ्राई किया है और इसमें सारे ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी भी लगती है। और आपको मेरी इस तरह की ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए।